हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर ही गेव द बुक ही गेव द बुक टू मी दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग जो है वो सेम है उसने मुझे किताब दी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बुक है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें मी है ठीक इस है इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और ये जो मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है वो कैसे हैं आप कैसे समझ सकते हैं इसको इसे आपने ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करनी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग थिंग होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो लिविंग थिंग होती है या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग है व्हाट यानी क्या और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग है होम यानी किसे ठीक है तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हैं मैंने दोनों तरह के आपको तरीके बता दिए हैं इसे समझने के आप देख सकते हैं आपको कौन सा समझ में आता है तो चलिए अब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं आपने इसमें सब्जेक्ट को पहचानना है और दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को पहचानना है इन सेंटेंसेस में आई शेल गिव यू अ गिफ्ट देखिए इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आपने सोचना है कि क्या है ये जो आपने आइडेंटिफाई करना है इन्हें पहचानना है तो सब्जेक्ट इसमें आई है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें यू है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें गिफ्ट है ठीक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग थिंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग किसे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या ही हैज़ गिवन मी अ मैसेज उसने मुझे एक मैसेज दिया है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट जो है वो ही है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मैसेज है ठीक है मैसेज जो है वो नॉन लिविंग होता है तो मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हुआ मुझे ठीक है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं किसे यानी मुझे मी यानी मुझे ठीक है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या वो मैसेज है प्रोफेसर कपूर टीचेस आस इंग्लिश तो इसमें भी आपने तीनों को आइडेंटिफाई करना है इसे ध्यान से पढ़िए और सोचिए क्या होगा ओके आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं और सोच सकते हैं देखिए इसमें आंसर है प्रोफेसर कपूर सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आस है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है इंग्लिश नॉन लिविंग है इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस यानी हमें ठीक है तो ये लिविंग है तो इसलिए ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ओके आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन डन इट येट सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग टेक केयर